हाँ जी सोम, आ गए हम अपनी जंगल की अगली स्टोरी में। आज क्या हुआ, जंगल में फॉक्स का एक दोस्त, खुद फॉक्स नहीं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इंटेलिजेंट है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, वो फॉक्स नहीं, उसका एक दोस्त जंगल में आता है। अब वो जंगल में आता है तो वो क्या है, वो दोस्त फॉक्स की तरह नहीं होता है। वो जो फॉक्स जो दोस्त होता है ना, उसको हमने नाम दिया है जीजी। तो फॉक्स का जो दोस्त है जीजी फॉक्स, वो जीजी फॉक्स क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई होती है, हर किसी को परेशान करना होता है, हर किसी का सर खाना होता है। जैसे ही वो जंगल में आता है, वो देखता है यार ये तो जंगल बहुत अच्छा है, बहुत घना है, यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर हैं, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा मस्ती करने में। तो ऐसे ही मस्ती करने करने के चक्कर में वो देखता है कि एक जगह पर चार पांच खरगोश अपना खाना जो है खा रहे होते हैं। अब वो जब खाना खा रहे होते हैं तो वो मस्ती मजाक में जाके उनका खाना छीन लेता है। अब वो खरगोश से ताकतवर होता है तो सारे खरगोश डर के मारे उसको सॉरी 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 करते हैं। अब वो जब खाना खा रहा होता है तब वो सोचता है कि यार ये खरगोश लोग मुझसे तो डर गए, मेरे को तो सॉरी सॉरी भी बोल रहे हैं, सॉरी सर ऐसे बोल रहे हैं, इसमें तो मज़ा आएगा। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसको वहाँ पे एक फॉक, वो जो हिरन होती है ना हिरन, वो लोगों ने क्या है, कोई जानवर मारा होता है छोटा सा, उसको खा रहे होते हैं तीन चार हिरन। अब फॉक्स को मस्ती और घमंड बहुत था, वो बोलता है कि वो खरगोश जब मेरे को हेलो 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 सॉरी 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 सर करके बोल सकते हैं, तो ये हिरन भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, हिरन के जो खाना था ना वो भी छीना। और जब वो छीना और उनके सामने ही खाने लग गया, तो वो दोनों तीनों हिरो ने ना वो भी डर गए, बोला ये तो बहुत ताकतवर है फॉक्स, ये इसको तो सॉरी बोलना पड़ेगा, ये तो नहीं तो हमको भी खा जाएगा ऐसे ही। तो उन्होंने डर के मारे सॉरी 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 सर सॉरी सर करके। अब जो है फॉक्स को एक और आइडिया आया, जो जीजी फॉक्स था ना, उसने क्या किया, अपने दो तीन और दोस्तों को बुलाया जो उसकी तरह घमंडी थे। और अब ये लोग क्या करने लगे, पूरे जंगल में सब जगह जहाँ पे भी कोई भी खाना खा रहा होता था, कोई भी कुछ कर रहा होता था, सबको जाके छेड़ते थे। एक दिन शेर जो है वो किसी हिरन का शिकार किया हुआ था और हिरन को खा रहा था, तो ये जो फॉक्स जीजी था अपने तीन चार दोस्तों के साथ ग्रुप में उस पर अटैक किया। तो शेर है, उसने झगड़ा किया उससे, पर क्योंकि शेर अकेला था और फॉक्स जो थे वो जीजी फॉक्स की तरह जो फॉक्स थे वो तीन चार जने थे, तो टोटल चार पांच जने हो गए। उन चार पांच जनों ने उसका खाना छीन लिया और उसको बोला कि हम लोगों को सॉरी सर बोल, नहीं तो हम तेरे को भी ऐसे ही खा जाएंगे। अब शेर वैसे तो डरता नहीं है क्योंकि वो लायन है, वो किंग है। उसने सॉरी तो नहीं बोला, पर उसने बोला कि आज मैं अकेला हूँ पर मैं तुम लोगों को देख लूँगा करके वो चला गया। अब क्या हुआ, ये करते हुए उसको डोंकी ने देख लिया। डोंकी ने ये देख लिया कि जीजी फॉक्स जो है अपने दोस्तों के साथ शेर के खाने को खा गया, शेर से छीन के, और शेर वहाँ से चला गया। अब डोंकी ने क्या किया, पूरे जंगल में बता दिया कि शेर जो है वो इस जीजी फॉक्स से डर गया और डर के भाग भी गया। अब एक्चुअली शेर डरा नहीं था, शेर बोला था मैं अकेला हूँ पर समझदार हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, उसने सॉरी भी नहीं बोला था। पर डोंकी तो गधा है, नाम ही गधा है तो होगा गधा। तो डोंकी ने क्या किया, पूरे जंगल में गलत बात फैला दी। अब सब लोगों को वाकई में उससे डर लगने लगा। अब जीजी फॉक्स जहाँ से भी जाता सब लोग उसको सॉरी सर सलाम सर सॉरी सर सलाम सर करते। अब उसको और घमंड आता गया आता गया आता गया, बहुत घमंड हो गया उसको। अब वो हमेशा जंगल में ऐसे चलता था फैल के, और उसके पीछे दो तीन दोस्त चलते थे, और जो भी उसको सलाम नहीं करता था ना वो उससे झगड़ा करता था। अब जो अपना फॉक्स था वो उसका स्कूल का फ्रेंड था, मतलब जब छोटे थे तो साथ में पढ़ते थे। तो वो एक दिन उसके सामने आया, तो उसने फॉक्स ने बोला और मेरे दोस्त जीजी क्या हाल है। तो जीजी तो घमंडी बोला देख भाई अपनी दोस्ती एक तरफ, अब मैं यहाँ का किंग हूँ। तो अपना वाला फॉक्स हंसने लगा जोर से, बोला तू तो मेरा स्कूल का दोस्त है यार, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं, कैसी बातें कर रहा है। तो ये जो जीजी फॉक्स था उसने बोला देख आज आखिरी दिन तूने मुझे दोस्त बुलाए, अब मैं यहाँ का किंग हूँ, तू भी मुझे सलाम सर कर। फॉक्स ने बोला क्या बात कर रहा है यार, मैं तो तेरा दोस्त, तू तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। फॉक्स तो घमंडी बोला देख मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो ये देख मेरी टीम।
पीछे इशारा किया, दो तीन फॉक्स उसके साथ थे, हम तेरे को कच्चा चबा जाएंगे। तो जो अपना वाला फॉक्स था वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि इसको घमंड है। उसने बोला ठीक है पर मैं तुझे सलाम नहीं करूँगा, तू मेरा दोस्त रहेगा। बोला तेरे को मैं आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा मेरे को सलाम करना पड़ेगा तेरे को। फॉक्स चुपचाप चला गया, उसने कोई बहस नहीं की, कोई सॉरी नहीं बोला, कोई सलाम नहीं किया, चुपचाप वहाँ से चला गया। इसका घमंड जो है और बढ़ गया। उसने बोला अगर ये दूसरी बार दिखे, भले ये मेरा दोस्त है, हम इसको खा जाएंगे। सारे फॉक्स ने बोला जी 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 जी। अब जंगल में सब जगह जी 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 चल रहा था, जहाँ से ये निकले जी 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 जी, जहाँ से निकले सलाम सर जी जी, सलाम सर जी जी, सलाम सर जी जी। अब क्या हुआ, इसको जंगल में अचानक से एलिफेंट का बेबी जो होता है, छोटा एलिफेंट, वो दिखा। अब एलिफेंट का बेबी जो होता है वो बहुत सिंपल छोटा बच्चा कैसे होता है, बिल्कुल आराम से तेरी तरह खेलता रहता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने इसको सलाम नहीं किया और ये जी जी भाई साहब अपने घमंड में ऐसे, यह क्या है, क्या है भैया, वो एलिफेंट के बच्चे इधर 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 ये चिन्नी इधर, बोला मेरे को सलाम कर। एलिफेंट बोला अच्छा तेरे को सलाम कर, क्यों, तू भी मेरे को सलाम कर, मैं भी तेरे को सलाम करूँगा। तो जी जी का घमंड, ईगो, वो बोला होए बच्चे क्या बोल रहा है, मेरे को सलाम कर बोला ना तेरे को। तो वो छोटे से एलिफेंट ने, बेबी एलिफेंट ने उसको बोला देख भाई मैं एलिफेंट हूँ एलिफेंट, मेरे को भी अप्पू राजा बोलते हैं, अप्पू राजा, राजा मतलब किंग, मैं भी यहाँ का किंग हूँ। फिर उसका गुस्सा और भड़क गया, जी जी बोला किंग मैं हूँ, मेरे से लॉयन भी डरता है, सुना नहीं तूने गधे ने क्या बोला। एलिफेंट बोला गधा तो कुछ भी बोलेगा, मैं थोड़ी उसकी बात मानूंगा, और मैं तो क्यों आपको सलाम करूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को सलाम करूंगा, तुम कौन होते हो मेरे को सलाम बोलने। तो उसको गुस्सा आ गया, जीजी को अब गुस्सा आ गया, वो देख रहा था पीछे, वो उसके जो साथी थे दूसरे फ्रेंड जो थे फॉक, हंस रहे थे धीरे धीरे। तो उसको गुस्सा आ गया, बोला यार ये बच्चा मेरे आगे ऐसे थे। तो उसने ज़ोर से एलिफेंट, बेबी एलिफेंट पर जंप मारा और उसकी सूंड पर अपने दांत चबा दिए। अब उसके दांत बहुत तीखे होते हैं फॉक्स के, तो एलिफेंट की सूंड में से खून निकलने लगा, वो जैसे तैसे करके बेबी एलिफेंट भागा अपने मम्मी पापा के पास, उसके सूंड में से ब्लड निकल रहा था। जैसे ही वो अपने पापा के पास पहुंचा, उसके पापा ने उसकी हालत देखी, उसको पहले तो ब्लड रोका और फिर पूछा क्या हुआ, तो उसने सब बताया। अब जो है एलिफेंट, उसका गुस्सा तेज़ हो गया, बहुत तेज़। अब एलिफेंट का गुस्सा जब तेज़ होता है ना सोहम, जब तक एलिफेंट शांत है ना तब तक सिंपल है, चुपचाप है, पर जिस दिन एलिफेंट को गुस्सा आ गया ना तो फिर कोई पूरा जंगल वो सर पे उठा लेता है। अब एलिफेंट जोर से दहाड़ा, उसकी आवाज़ पूरे जंगल में आ गई और वो भागा लकड़ बगे को ढूंढने के लिए। जब वो भाग रहा था तो सारे जानवर उसको देख रहे थे, आज क्या हो गया, क्या हो गया, एलिफेंट एलिफेंट इतना गुस्से में क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है। वो भागते भागते पहुँच गया लकड़ उसके पास, फॉक्स के पास, जी जी फॉक्स के पास। तो जी जी फॉक्स ने बोला ये हाथी क्यों चिल्ला रहा है, सलाम कर मेरे को। तो एलिफेंट तो पहले ही गुस्से में था, आज तो वो किसी की सुनना नहीं है, उसके बच्चे को तूने कैसे मारा। उसने बोला मैं तेरे को सलाम करता हूँ। उसने क्या किया, अपनी सूंड से फॉक्स को उठाया पटका जोर से। वो जी जी फॉक्स यूँ चकरा गया, बोला ये क्या हुआ यार, और गुस्सा आ गया उसको। बोला आती मेरे दोस्तों को बोलूँगा अभी तेरे को खा जाएंगे। पर एलिफेंट होता है बहुत स्ट्रांग, उसकी स्किन होती है बहुत मोटी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया, उसके सारे दोस्तों को और जीजी फॉक्स को अपनी सूंड से उठा के फेंका, उठा के फेंका, उठा के फेंका, उठा के फेंका, फेंका 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 फेंका। आखिरकार उसके जबड़ा जो था ना फॉक्स का, उसमें से खून निकलने लग गया। अब वो भागा, अब भागा, बोला यार अब भागना पड़ेगा मेरे को। जीजी फॉक्स भागने लगा, पर एलिफेंट तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसके पीछे तेज़ी से भागा। बोला आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ूंगा, तूने मेरे बच्चे को मारा कैसे, तू बच के कहीं नहीं जाएगा। एलिफेंट उसके पीछे भाग रहा था और जीजी फॉक्स खुद भाग रहा था, रन कर रहा था। अब सारे जितने भी एनिमल्स थे सब उसको देख रहे थे कि जीजी फॉक्स जो है सबका सलाम करने वाला आज खुद डर के भाग रहा है। तो जब वो भाग रहा था तो उसको भागते भागते एक छोटी सी गुफा मिली, और उस गुफा में भागते भागते उस छोटी सी गुफा में वो जो फॉक्स, जीजी फॉक्स है, वो घुस गया, ये सोच के कि एलिफेंट जो है वो उस गुफा में नहीं घुस पाएगा और मैं अपनी जान बचा लूँगा। तो वो उस छोटी सी गुफा में घुस गया, और एलिफेंट जो था वो गुफा में तो घुस नहीं सकता, तो एलिफेंट बाहर ही खड़ा होके उसको जीजी फॉक्स को आवाज़ लगाया कि तू बाहर निकल, आज मैं तेरे सारे दांत तोड़ने वाला हूँ, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। फॉक्स तो पहले ही डरा हुआ था, उसने बोला मैं भी बाहर नहीं जाऊँगा।
तो एलिफेंट जो था वो गुस्से में उसको बोला, तू जब तक बाहर नहीं आएगा मैं इधर ही रहूँगा, यहाँ तो तू गुफा के अंदर दब के मर जाएगा, यहाँ तो तू बाहर निकलेगा और अपना दांत तुड़वाएगा। अब बहुत देर हो गई, सुबह हो गई, दिन हो गई, शाम हो गई, रात को फॉक्स भी थक गया। अब उसको भी भूख लगी थी, प्यास लगी थी, उसको भी बाहर जाना था। इधर उधर देखा तो उसको कौन मिला मालूम है? चींटी। एक चींटी जो है वो अंदर थी। अब वो चींटी जो है उस फॉक्स को बोली, इधर सुन इधर सुन। फॉक्स बोला, क्या है? बोली, मैं तेरी हेल्प कर सकता। तो फॉक्स बोला, यार तू इतनी छोटी सी चींटी तू कैसे हेल्प करेगी? बोला, देख अगर तू अपना नेचर चेंज कर देता है, अगर तू अपना घमंड ईगो सब छोड़ देता है, तो जो है मैं हाथी से रिक्वेस्ट करूँगी और वो तेरे को छोड़ देगा। तो फॉक्स बोला, हाथी ने इतने सारे जानवरों की नहीं सुनी, वो तेरी चींटी की कैसे सुनेगा? बोला, मैं तेरे को बोल दूँ, पहले तू मेरे को प्रॉमिस कर कि तू आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई तेरे को सलाम वलाम नहीं करेगा। बोला, हाँ। वो तो वैसे ही डर गया था, उसको तो सब पता चल गया था। तो उसने बोला, हाँ मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तू प्लीज़ उसको मना। चींटी बाहर गई, 5 मिनट बात किया एलिफेंट से और फिर फॉक्स को जाके बोला, चल तू अब बाहर निकल, आपको कुछ नहीं करेगा। फॉक्स डर डर के फॉक्स डर डर के बाहर निकला। तो उसने देखा कि भाई ये एलिफेंट इतना गुस्से में था, इतना शांत कैसे हो गया? तो उसने एलिफेंट से पूछ लिया, एलिफेंट भाई आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हुई, पर आप है ना मेरी बात नहीं माने, इतने सारे एनिमल्स की बात नहीं माने, इस छोटी सी चींटी की बात कैसे मान गए? तब एलिफेंट ने उसको बोला, देख भाई बात जो मैं माना हूँ ना, वो किसी शरीर को देख के नहीं माना, किसी की ताकत को देख के नहीं माना, तेरे अंदर जो घमंड है ना, जो ईगो है ना, वो ईगो है ना मेरे को पसंद नहीं था, पर ये जो चींटी है ना इसमें कोई ईगो नहीं है, अगर प्यार से बोलेगी ना तो हम सब मान लेते हैं, कोई किसी का शरीर देख के उसको नहीं करता है, तो अपने ईगो को तू छोड़ देगा तो हमारा भी दोस्त बन जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। ओके सो चल बाय।